आपका वेलकम है ग्रुप्स एंड रिंग्स मैथ की वीडियो में। हम कर रहे हैं इस मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, यहाँ पर ग्रुप्स एंड सब ग्रुप से। इस चैप्टर की से पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 के एग्जांपल्स को समझना स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हम दो ही एग्जांपल्स को समझ पाए थे। सेकंड एग्जाम्पल अपने पास एक थ्योरम की तरह था यहाँ पर, जिसमें हमने ये शो किया था कि यदि दो सब ग्रुप का हम यूनियन लें तो वो भी अपने पास एक सब ग्रुप ही आएगा। आज हम समझते हैं इसके सभी नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को 3 से लेकर 9 लग। इन सभी एग्जाम्पल में अपने पास केवल एक रिजल्ट यूज होगा एक थ्योरम का, जो कि हम समझ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उनको आप जरूर देखिए, अगर आप वो देखेंगे तो इन सभी एग्जाम्पल्स को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक थ्योरम का रिजल्ट अपने पास सभी एग्जाम्पल्स में यूज होगा, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यदि एच अपने पास एक सबसेट है ग्रुप जी का, ठीक है, यहाँ पर मैं ग्रुप जी को ले लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और हमें इस एच को यहाँ पर सब ग्रुप शो करना है, तो इसके लिए अपने पास एक कंडीशन है कि हमें दो एलिमेंट लेने होंगे ए बी, जो कि एच से बिलोंग करते हैं। डैट इम्प्लाइज, तो अपने पास ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, ए इंटू में बी इनवर्स आल्सो बिलोंग टू एच। तो अगर ये ऐसा हो जाता है, ये कंडीशन अपने पास वेरीफाई हो जाती है, तो हम कहेंगे कि एच अपने पास एक सब ग्रुप है ग्रुप जी का। अब हम समझना स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स को, यहाँ पर इसी को हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स में अप्लाई करना सीखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है यहाँ पर, लेट एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, प्रूव डैट द सेट, अपने पास एक सेट है एच की फॉर्म में कुछ इस तरीके से, ऑफ ऑल इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। तो देखिए, एक्स की फॉर्म में अपने पास एलिमेंट हैं ग्रुप जी में, और एक सेट है अपने पास कुछ इस तरीके से एक्स की पावर अन यहाँ पर बिलोंग करता है इंटीजर से, और जैसे हम यहाँ पर इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स का मीन्स ये होता है यहाँ पर कि हम अन की वैल्यू यहाँ पर पुट करते जाएंगे, एलिमेंट सेम है बट इसकी पावर यहाँ पर डिफरेंट है, तो हम बोलेंगे इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स, ठीक है। तो अच्छा, अपने पास एक सबसेट बन जाता है यहाँ पर जब हम इंटीग्रल पावर लेते हैं एक्स की, तो यहाँ पर अनबिलोंग करता है इंटीजर से, तो यहाँ पर इंटीजर्स को पुट करेंगे तो हो जाएगा एक्स पावर नेगेटिव 4, एक्स पावर नेगेटिव 3, एक्स पावर नेगेटिव 2, एक्स पावर 1, एक्स पावर 0, एक्स पावर 1, एक्स पावर 2, एक्स पावर 3, इसको हम बोलेंगे इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स, और ये फिलहाल अपने पास बन चुका है एक सबसेट ऑफ ग्रुप जी, ठीक है, क्योंकि जो ये एक्स आप एलिमेंट देख रहे हो, ये अपने पास एलिमेंट किसका है, ग्रुप जी का ही है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास ये एक सबसेट है ग्रुप जी का, इसको हमें शो करना है कि अपने पास एक सब ग्रुप होगा ग्रुप जी के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले इस तरीके के इक्वेशंस में या थ्योरम में हम ये शो करते हैं कि अपने पास ये जो एच है एक नॉन एम्प्टी सबसेट है यहाँ पर। तो इसके लिए देखो, हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यहाँ पर दिखा देंगे। देखो, यहाँ पर अपने पास एक एलिमेंट है एक्स की पावर 0, अब किसी की पावर में 0 करेंगे तो 1 के इक्वल टू 1 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में अपने पास क्या है, ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पर गिवन नहीं है, ये अपने पास एडिशन के रिस्पेक्ट में है या फिर ये नेगेटिव के रिस्पेक्ट में। तो अपने पास ये अंडरस्टूड होता है कि अपने पास ये मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में हम लेंगे। तो इस तरीके से आइडेंटिटी एलिमेंट आपको अच्छे तरीके से पता है, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल। और आइडेंटिटी एलिमेंट इस तरीके से बता देंगे, अपने पास एच से बिलोंग करता है, तो एच अपने पास यहाँ पर एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, ठीक है। अब दो एलिमेंट को हम लेट करेंगे और ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा देंगे। वो दो एलिमेंट अपने पास कुछ इस तरीके की फॉर्म में हम लेंगे, लेट एक्स की पावर ए और एक्स की पावर बी बिलोंग करते हैं एच से, वे हर यहाँ पर बता देंगे ए एंड बी आर इंटीजर्स, ये अपने पास इंटीजर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। हमें इन दो एलिमेंट को लेते हुए ये कंडीशन होल्ड करवानी है। इन दो एलिमेंट के थ्रू ये कंडीशन कुछ इस तरीके से बनेगी, एक्स की पावर ए एक्स की पावर बी यदि एच से बिलोंग करता है, डैट इम्प्लाइज अपने पास ये हमें शो कर देना है कि एक्स की पावर ए इंटू में एक्स की पावर नेगेटिव बी ये आल्सो बिलोंग टू एच है, तो इस तरीके से आज अपने पास सब ग्रुप कहलाएगा ग्रुप जी का। ये हमें इसमें प्रूव करना है, इसमें क्वेश्चन में शो कर देना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हम लिख देंगे द इनवर्स ऑफ एक्स की पावर बी इन एच, अगर हम एच में इसका इनवर्स देखेंगे तो वो किस फॉर्म में होगा, ये इस फॉर्म में होगा, इसका इनवर्स एक्स की पावर नेगेटिव बी की फॉर्म में। नाउ अब हम इस एलिमेंट को लेंगे और इस इनवर्स को लेंगे सेकेंड एलिमेंट के, ठीक है। तो एक्स की पावर ए इंटू में एक्स की पावर नेगेटिव बी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स की पावर ए नेगेटिव बी, ए और बी अपने पास क्या थे, इंटीजर्स थे। तो देखिए, इज एन एलिमेंट, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है इंटीजर का हम सम करें मल्टीप्लिकेशन करें एडिशन करें तो वो भी अपने पास एक इंटीजर ही आएगा, तो यहाँ पर एक्स की पावर में अपने पास क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अपने पास जो एलिमेंट यहाँ पर बनेगा ये अपने पास बिलोंग करेगा आज से, तो यहाँ पर लिख देंगे इज एन एलिमेंट ऑफ सबसेट आज से एज ए नेगेटिव बी इज आल्सो सम इंटीजर, ये अपने पास कोई ना कोई अपने पास इंटीजर ही आएगा। तो इट मीन्स ये कंडीशन यहाँ पर होल्ड हो जाती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दस फोर, यदि हम लेते हुए चलते हैं एक्स की पावर ए और एक्स की पावर बी बिलोंग टू एच हैं, डैट इम्प्लाइज एक्स की पावर ए एक्स की पावर नेगेटिव बी ये भी अपने पास बिलोंग करता है किससे, एच से, जैसे कि हम यहाँ से चेकआउट कर चुके हैं। तो इस तरीके से लिख देंगे कि ये कंडीशन अपने पास होल्ड हो जाती है यहाँ पर, हैंस
अतीते हम बोलेंगे यहाँ पर सब ग्रुप है ग्रुप जी का, सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फोर्थ है अपने पास, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से है, एग्जाम्पल नंबर फोर्थ है। इसमें केवल चेंज इतना है, जो अपने पास ये सेट है यहाँ पर, जो अपने पास सेट है यहाँ पर, ये अपने पास है 2 की पावर n, और यहाँ पर n बिलोंग करता है इंटीजर से। ठीक है, इसको मैं शो करना है जे सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। यहाँ पर अपने पास जो ग्रुप है ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में है, जैसा कि गिवन है अपने पास, ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अपने पास। ठीक है, तो इसको एज ए सबसेट के फॉर्म में लिख देते हैं हम, यहाँ पर इंटीग्रल पावर ऑफ 2 लेते हुए, तो ये क्या हो जाएगा, अन अपने पास इंटीजर से बिलोंग करता है, तो केवल चेंज इतना है कि यहाँ पर अपने पास x था, यहाँ पर अपने पास 2 है, तो हो जाएगा 2 की पावर -4, 2 की पावर -3, 2 की पावर 2, 2 की पावर -1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इसी तरीके से अपने पास इंटीजर्स की वैल्यू हम इसकी पावर में पुट करते जाएंगे। तो इसको हम बोलेंगे इंटीग्रल पावर ऑफ 2। ठीक है, अब अपने पास एक सबसेट बन चुका है, पहले हम ये शो कर देंगे यहाँ पर अपने पास ये नॉन एम्प्टी है, तो इसके लिए देखो 2 की पावर 0 एक एलिमेंट है अपने पास, ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल। इट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट यदि इससे बिलोंग करता है तो डेट इम्प्लाइज करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तो ये अपने पास हो जाएगा यहाँ पर एक नॉन एम्प्टी सबसेट। ठीक है, अब तो अपने पास एक नॉन एम्प्टी यहाँ पर सबसेट है। अब सेकेंडली हम लेट कर लेते हैं कुछ एलिमेंट को, यहाँ पर 2 एलिमेंट हम लेते हुए चलेंगे, 2 की पावर a और 2 की पावर b, ये अपने पास बिलोंग करते हैं इससे, वेहर यहाँ पर बता देंगे ए बी अपने पास क्या है, इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको कि जो अपने पास ये सेकंड एलिमेंट है इसका हमें इनवर्स देखना होता है, तो इसका इनवर्स क्या होगा, द इनवर्स ऑफ 2 की पावर b इन एच इज, ये अपने पास एच के अंदर कुछ इस तरीके की फॉर्म में होगा इसका इनवर्स, इस एलिमेंट का इनवर्स। ठीक है, नाउ अब इस एलिमेंट के इनवर्स को लेंगे और इस एलिमेंट को लेंगे, यहाँ पर ये अपने पास एच से बिलोंग करता है और ये भी अपने पास एच से बिलोंग करता है। अब ये चेक कर आउट हम करेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट करते हुए यहाँ पर। ठीक है, तो ये जाएगा 2 की पावर a इंटू में 2 की पावर -b इक्वल टू 2 की पावर a - b, एज a - b इज आल्सो एन इंटीजर अकॉर्डिंग टू प्रीवियस एग्जाम्पल। आप समझ पाए होंगे इसको कि ये ए भी अपने पास इंटीजर थे, इंटीजर को नेगेटिव करेंगे एक दूसरे के साथ तो अपने पास एक इंटीजर ही आएगा। तो इस तरीके से अपने पास ये क्लियर आउट हो चुका है कि इनवर्स भी अपने पास एग्जिस्ट करता है अच्छे। तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में हम लिख देंगे दस फोर 2 की पावर a 2 की पावर b यदि बिलोंग करते हैं अपने पास अच सबसेट से, डेट इम्प्लाइज 2 की पावर a इंटू में 2 की पावर -b आल्सो बिलोंग टू सबसेट अच। ठीक है, इस तरीके से अपने पास, क्योंकि हमने यहाँ पर क्लियर आउट कर दिया कि 2 की पावर a - b अपने पास क्या होगी, एक इंटीजर ही बनेगा, तो वो अपने पास सबसेट अच से बिलोंग करेगा। इट मीन्स यहाँ पर ये प्रूव हो जाता है कि जो अपने पास सबसेट हम लेते हुए चले थे अच इज आल्सो ए इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, अपने पास सब ग्रुप कहलाएगा ग्रुप जी का। अब एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ है, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से है, एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ यहाँ पर, लेट जी बी एन एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, प्रूव डैट सेट ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ इंटीजर बाई ए फिक्स्ड इंटीजर के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। देखिए अपने पास एक ग्रुप है यहाँ पर एडिशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से समझ जाएं, ये अपने पास ग्रुप है यहाँ पर एडिशन के रिस्पेक्ट में, जो ये ग्रुप है अपने पास ये इंटीजर्स के रिस्पेक्ट में है, तो कुछ इस तरीके से लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, 1, 2, 3 इसमें अपने पास एलिमेंट होंगे इस तरीके से। ठीक है, अब सेकंड जो इसका सबसेट हमने लेना है यहाँ पर, ये कुछ इस तरीके से लेना है कि जो ये अपने पास सेट बना है ग्रुप जी के एलिमेंट्स का, इसको हमें मल्टीपल के रूप में लेना है बाई ए फिक्स्ड इंटीजर के, और फिर उसको हमें शो करना कि वो सब ग्रुप होगा ग्रुप जी का। तो लेट कर लेते हैं हम अच से, लेट अच इक्वल टू अच में हमें क्या करना है, जो अपने पास ये ग्रुप जी के एलिमेंट का सेट बना है एक इंटीजर्स का, इसको हमें एक फिक्स इंटीजर के से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर मैं देता हूँ जेड इंटू में के, इंटीजर्स को हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपने पास ये के यहाँ पर वेहर के इज ए फिक्स्ड इंटीजर, ये अपने पास आल्सो ए फिक्स्ड इंटीजर है यहाँ पर, तो ये हो जाएंगे कुछ इस तरीके से -4k -3k -2k -k, यहाँ पर हो जाएगा ये 0, फिर के 3k 4k, यहाँ पर 2k आएगा, इस तरीके से अपने पास एक सबसेट बन जाएगा ग्रुप जी का। ठीक है, तो हमें ये शो करना है जो ये सबसेट एच है यहाँ पर, ये एज ए सब ग्रुप है ग्रुप जी का। तो इसके लिए देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये देखो 0 है इसमें,
और एडिशन के रिस्पेक्ट में उन्हें पास क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो इस तरीके से जीरो इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, जीरो अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप जी का, और ये अपने पास सबसेट एच में भी है। तो इस तरीके से आइडेंटिटी एलिमेंट अपने पास बिलोंग करता है एच से, डेट इम्प्लाइज एच अपने पास एक नॉन एम्प्टी यहाँ पर क्या है, सबसेट है ग्रुप जी का। अब इस एच को एज ए सब ग्रुप बताने के लिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे दो एलिमेंट कुछ इस तरीके की फॉर्म में कि अपने पास फिक्स्ड इंटीजर है यहाँ पर, फॉर ऑल इंटीजर्स हम लेट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से दो एलिमेंट ए इंटू में के, बी इंटू में के, ठीक है। ये अपने पास हमने एच सबसेट से ले लिए दो एलिमेंट सच डैट, यहाँ पर लिख देंगे सच डैट ए और बी अपने पास यहाँ पर क्या है, इंटीजर्स को दर्शाते हैं इंटीजर्स, ठीक है। अब देखिए इंटीजर सॉरी यहाँ पर इनवर्स लिखेंगे, हम इनवर्स चेक करेंगे कि इस एलिमेंट का इनवर्स अपने पास जो सेकंड एलिमेंट है एच में किस तरीके की फॉर्म में होगा। तो इनवर्स ऑफ बिग के एलिमेंट इन एच इज, एच में इसका इनवर्स अपने पास नेगेटिव बिग के की फॉर्म में होगा, क्योंकि देखो जीरो अपने पास यहाँ पर क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट था। तो ये अपने पास एलिमेंट है बिग के, एडिशन का अपने पास बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये एलिमेंट जब हम लेंगे इसके साथ तो अपने पास ये जीरो के इक्वल आएगा, तब हम कहेंगे कि इस एलिमेंट का इनवर्स ये है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये अपने पास इसका जो इनवर्स एलिमेंट होगा ये होगा अपने पास, ठीक है, इन एच सबसेट। नाउ अब हम इन दोनों को यहाँ पर कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, मतलब कि बाइनरी ऑपरेशन लगा देते हैं, एक एलिमेंट ये लेंगे फिर इसका इनवर्स लेंगे इनके बीच में। तो एक के अपने पास एक एलिमेंट है जो कि एच सबसेट से बिलोंग करता है, नेगेटिव बी के अपने पास एच सबसेट से बिलोंग करता है, ये बी के का इनवर्स होगा यहाँ पर। इनके बीच बाइनरी ऑपरेशन अपने पास एडिशन गिवन है ग्रुप जी का वो लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा देखो एक के नेगेटिव बी के, ठीक है। तो के को कॉमन आउट करेंगे तो ये अंदर हो जाएगा ए नेगेटिव बी इंटू में के। अब देखो ए बी अपने पास क्या थे, इंटीजर थे, और हमने पिछले दो एग्जांपल में भी समझ लिया है ये कि ए बी अपने पास एक इंटीजर ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। और इंटीजर के साथ हमने क्या किया था, के की मल्टीप्लाई की थी जो अपने पास सबसेट है। तो अपने पास जो यहाँ पर ये एलिमेंट बनेगा ये भी अपने पास बिलोंग करता है किससे, एच सबसेट से। इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे दज एक के और बी के, यदि हम दो एलिमेंट लिख के चलते हैं एच सबसेट से, डैट इम्प्लाइज एक के और पॉजिटिव यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन दर्शा दिया, नेगेटिव बी के जो कि इसका इनवर्स है यहाँ पर, ये ऑल्सो भी बिलोंग करता है अपने पास एच सबसेट से। इट मीन्स हैंस एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, एच अपने पास एक सब ग्रुप कहलाएगा ग्रुप जी का, ठीक है। अब हम समझते हैं यहाँ पर एग्जांपल नंबर सिक्स को। तो देखिए लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी एंड डिफाइन अन ऑफ एच, एक तरीके से सबसेट अपने पास इस तरीके की फॉर्म में, इस सबसेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे उनका सेट कुछ इस तरीके से बनेगा अपने पास, ठीक है। हमें प्रूव करना है जो अपने पास ये सबसेट एन ऑफ एच, ये अपने पास एक सब ग्रुप है ग्रुप जी का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो ये फॉर्म दी गई है एन ऑफ एच करके, इसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजर या सेंट्रलाइजर ऑफ ए एलिमेंट, यहाँ पर ये सब ग्रुप के लिए है, ठीक है। इसको हम समझेंगे जो अपने पास चैप्टर नंबर थ्री है उसमें, जैसे कि आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, ये देखिए जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं इसको नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट या फिर सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट, इसको अन ऑफ यहाँ पर एक एलिमेंट हम लेते हैं उससे डिनोट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजर ऑफ ए एलिमेंट। ये अपने पास ए यहाँ पर एलिमेंट को दर्शाता है, और इसके लिए जो अपने पास सेट होगा बिल्कुल इसी फॉर्म में होगा जिस तरीके से अपने पास यहाँ पर हम ले रहे हैं। तो जो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं एक तरीके से थ्योरम रहेगी अपने पास चैप्टर नंबर जब हम थ्री करेंगे, और जो एग्जाम्पल नंबर सेवन था ये भी बिल्कुल सेम स्टेप जो यहाँ पर हम करेंगे बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी यहाँ पर हम एलिमेंट लेंगे ए वन ए टू की फॉर्म में, क्योंकि ए की फॉर्म में अपने पास एलिमेंट होंगे यहाँ पर, ये अपने पास वो एलिमेंट हैं जो कि ग्रुप से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर अपने पास एलिमेंट होंगे एच की फॉर्म में जो कि ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो केवल यहाँ पर इतना चेंज है इन दोनों में, यहाँ पर तो ए वन ए टू की फॉर्म में एलिमेंट हम लेंगे, यहाँ पर एच वन एच टू की फॉर्म में लेंगे, दोनों बिल्कुल सेम है। यहाँ पर बात की गई है सेंटर ऑफ ए ग्रुप की, तो सेंटर ऑफ ग्रुप भी हम चैप्टर नंबर थ्री में ही समझते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सेंटर ऑफ ए ग्रुप है, ये जी अपने पास एक ग्रुप है और सेंटर ऑफ ग्रुप को हम डिनोट करते हैं जेड से, ठीक है। इसके लिए सेट अपने पास कुछ इस तरीके से होता है, तो इनको हम समझेंगे चैप्टर नंबर थ्री में, फिलहाल इन क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अपने पास गिवन क्या है उसको लिख देता हूँ, अपने पास गिवन है लेट करते हुए चल रहे हैं एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, डिफाइन अपने पास कुछ इस तरीके से सबसेट अन ऑफ एच की फॉर्म में, कि ए अपने पास जो एलिमेंट हैं ये बिलोंग करते हैं ग्रुप जी से, सच डैट ए कंप्यूट विद रिस्पेक्ट टू एच, एच कंप्यूट विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब कि कम्यूटेटिव लॉ इसी तरीके से होती है ना, ए इंटू में बी इक्वल टू बी इंटू में ए, तो इस तरीके से यहाँ पर मैं कम्यूट वर्ड का यूज कर रहा हूँ। अब हमें इसमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव डैट अन ऑफ एच
इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, जो अपने पास अनुपातिक सबसेट है, इसको मैं सबको प्रूव करना है ग्रुप जी के लिए, ठीक है। तो सिंपल बात है, जिस तरीके से अपने पास हम करते हैं अभी लग, ए भी अपने पास यदि दो एलिमेंट हैं एक सबसेट एच के, ठीक है, यदि अपने पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है ए इन टू में बी इनवर्स, ये भी अपने पास एच से ही बिलोंग करता है, तो हम कहेंगे एच अपने पास एक सब ग्रुप है ग्रुप जी का। तो बिल्कुल सेम एज इट इज यहाँ पर भी, इसमें अपने पास जो एलिमेंट हम लेंगे यहाँ पर ए की फॉर्म में, इनको हम लेट करेंगे यहाँ पर ए वन ए टू बताते हुए, ये अपने पास बिलोंग करते हैं अनुफ एच से, और फिर हम ये यदि शो कर देते हैं ए वन इन टू में ए टू का इनवर्स, ये भी अपने पास अनुफ एच से बिलोंग करता है, तो जो ये सबसेट है ये अपने पास कहलाएगा सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, ठीक है। तो केवल ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है इस क्वेश्चन में, तो अपने पास ये क्वेश्चन यहाँ पर डन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो भी हम सबसेट लेते हैं उसको नॉन एम्प्टी शो करते हैं कि इसमें अपने पास कोई ना कोई एलिमेंट है, वहां पर हम एक एग्जिस्टेंस दिखा देते हैं आइडेंटी एलिमेंट की, बाकी जो होंगे वो तो होंगे ही, बट आइडेंटी एलिमेंट की जब हम एग्जिस्टेंस दिखा देते हैं तो इससे ये हो जाता है कि वो अपने पास नॉन एम्प्टी है, ठीक है। तो अपने पास अनुफ एच में कुछ इस तरीके से एलिमेंट होंगे, ठीक है, ये अपने पास फॉर्म होगी, यहाँ पर ए बिलोंग करता है जी से। सिंपल बात है, देखो ए बिलोंग करता है जी से, अब जी अपने पास क्या है, एक ग्रुप है। अब ग्रुप में अपने पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है, आइडेंटी एलिमेंट होता है, इसमें जी से हमने एक एलिमेंट ले लिया ई की फॉर्म में, जो कि अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो यहाँ पर लिखेंगे उसको, तो क्या जाएगा ई इंटू में एच इक्वल टू एच इंटू में ई, ये किसके इक्वल आएगा अपने पास एच के इक्वल आएगा, तो इससे ये शो हो जाता है कि आइडेंटिटी जो एलिमेंट है अपने पास वो अनुफ एच से भी बिलोंग करता है, डेट इम्प्लाइज अनुफ एच अपने पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, उस एलिमेंट अब हम लेट कर सकते हैं क्योंकि हमने ये नॉन एम्प्टी यहाँ पर शो कर दिया, तो लेट करते हैं, लेट ए वन एंड ए टू बी एनी, कोई भी अपने पास टू एलिमेंट्स हैं ऑफ अनच, अनच सबसेट के अपने पास ये दो एलिमेंट हैं, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखेंगे इनको, तो एक इस फॉर्म में लिखे जाएंगे यहाँ पर ए वन एच इक्वल टू एच वन एच ए वन, इसको लेट कर ले इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर ए टू एच इक्वल टू एच ए टू, इसको लेट कर लिया हमने इक्वेशन नंबर सेकंड, यहाँ पर फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, यहाँ पर लिखते जाएंगे फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, इस तरीके से लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब डेट इम्प्लाइज, देखो जी अपने पास क्या है, ग्रुप है, ये जो एलिमेंट है यहाँ पर ये हमने लेट किए हैं कहाँ से, कि ये एलिमेंट अपने पास बिलोंग करते हैं सबसेट में, ठीक है, तो ये अपने पास ग्रुप में भी होंगे क्योंकि सबसेट जो है वो अपने ग्रुप के एलिमेंट को लेते हुए बनाया, जैसे कि आपको पता है कि ए अपने पास एलिमेंट्स को दर्शाता है, ये ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इस तरीके से इन एलिमेंट का जो इनवर्स होगा वो अपने पास ग्रुप में एग्जिस्ट करता है, ये हमें पता है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए, जो कि मैं बता रहा हूँ ए टाइप के एलिमेंट अपने पास ग्रुप जी से बिलोंग करते हैं, सो इनवर्स ऑफ ए टू अपने पास क्या होगा ग्रुप में, इसका इनवर्स कुछ इस तरीके से होगा ए टू इनवर्स। अब देखो अपना पहला काम तो ये रहेगा, क्योंकि यहाँ पर तो हमने ये बताया कि ये ग्रुप जी में इसका इनवर्स होगा इस तरीके से, ठीक है। अब इसको सबसेट में भी दिखाएंगे कि ये सबसेट से भी बिलोंग करता है, यदि ये सबसेट से बिलोंग करता है तो प्रोडक्ट करवाते हैं हम, ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिखाएंगे कि अनुफ एच सबसेट से भी अपने पास बिलोंग करता है ए टू का इनवर्स, तो इसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, ए टू का इनवर्स दिखाना है तो इस इक्वेशन को ले लेंगे सेकंड, जो अपने पास इक्वेशन ए टू एलिमेंट के लिए इसको ले लिया हमने। अब देखो इसको क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग एंड पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ए टू इनवर्स, इससे हम प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से, ये तो अपने पास इस तरीके की फॉर्म में, अब यहां पर मैंने कर दी पोस्ट मल्टीप्लाई, बिल्कुल सेम इसी साइड करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से देखो इनको आप देखेंगे तो ये एलिमेंट है इसका इनवर्स साथ में, तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट इनटू में एच से ए टू इनवर्स इक्वल टू, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ से ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट इनटू में समथिंग एलिमेंट अपने पास होता है तो वही एलिमेंट आ जाता है, तो अपने पास ये फॉर्म आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। इसको लेट करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, इसकी हमें आवश्यकता रहेगी। अब इसको देखकर आप समझ सकते हैं, देखो अपने पास जो एलिमेंट है ऑफ एच में वो किसकी फॉर्म में है, ए एच इक्वल टू एच ए, अब ये ए क्या करता है, ग्रुप जी से बिलोंग करता है, तो ये अपने पास जो भी एलिमेंट होंगे यहाँ पर ये अनुफ एच के एलिमेंट है सबसेट के, तो यहाँ पर आप देखें बिल्कुल इसी फॉर्म में अपने पास ये है यहाँ पर ए टू इनवर्स, तो इस तरीके से यहाँ से ये शो हो जाता है कि ए टू जो इनवर्स है ये भी अपने पास है
सबसेट एन ऑफ अर्थ से बिलोंग करता है, ठीक है। ये यहाँ से हमने शो कर दिया, अब ये हमने शो कर दिया कि एन ऑफ अर्थ से बिलोंग करता है। अब हम दर्शाएंगे कि प्रोडक्ट वाली फॉर्म, किनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये एन ऑफ अर्थ से ही बिलोंग करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम इसी तरीके की प्रोडक्ट शो कर देंगे, क्योंकि साथ में अपने पास अर्थ भी होता है, ये तो एलिमेंट को दर्शाता है ए, और अर्थ ये अपने पास सब ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है। ये एन ऑफ अर्थ अब हम सब ग्रुप प्रूव कर रहे हैं। तो इस तरीके से लेते हुए हमें क्या शो करना है वो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। हमें ये शो करना है ए वन इंटू में ए टू का इनवर्स से, साथ में अच्छा होगा अपने पास, ठीक है, ये अच्छा होगा साथ में, क्योंकि ये तो एज ए एलिमेंट है, इनका प्रोडक्ट इक्वल टू, यदि हम शो कर देते हैं अच इंटू में ए वन इंटू में ए टू का इनवर्स, अगर ये कंडीशन हम शो कर देते हैं तो हम यहाँ से ये बता सकते हैं कि ए वन इंटू में ए टू का इनवर्स भी अपने पास एन ऑफ अच से बिलोंग करता है, और यदि बिलोंग करता है तो हम कहेंगे कि ये जो सबसेट है ये अपने पास एज ए सब ग्रुप है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड देखते हुए चलेंगे, इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, इसको सोल आउट करेंगे यहाँ पर, इसके एक बार लेते हुए आएंगे, तो इसको सोल आउट करते हुए कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम। देखो ये आप जो फॉर्म देख पा रहे होंगे ए टू इनवर्स इंटू में अच्छे फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, यहाँ से देखो ये अपने पास इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये अपने पास यहाँ पर है, तो इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ए वन अच ए टू इनवर्स। अब इसको आप देखिए ए वन इंटू में अच यहाँ पर मैंने यूज किया फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री, यहाँ पर मैं अभी यूज कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप देखिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपने पास है यहाँ पर ए वन अच इक्वल टू अच ए वन, इस तरीके से ये इसके इक्वल है, तो अपने पास यहाँ पर क्या है ए वन अच ए वन अच, तो इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं यहाँ पर, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको अच ए वन, और फिर यहाँ पर ए टू इनवर्स है। तो देखिए हमने इसको इसके इक्वल सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास कम्यूटेटिव लॉ हमने होल्ड करते हुए दिखा दिया, और अपने पास ये जो अच के साथ में होता है ये अपने पास एलिमेंट होता है, ठीक है, ये अपने पास एलिमेंट को दर्शाता है कुछ इस तरीके से। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इस तरीके से कि ए वन इंटू में ए टू का इनवर्स अपने पास एन ऑफ अच से बिलोंग करता है, क्योंकि ये अपने पास जो ये कंप्लीट आप फॉर्म देख पा रहे होंगे ये कहाँ से बिलोंग करती है अपने पास इस तरीके की फॉर्म एलिमेंट्स की, ये अपने पास एन ऑफ अच से बिलोंग करती है, जैसे कि शुरुआत में हमने यहाँ पर लिखा था, जैसे कि आप बुक से भी देख सकते हैं इसको, इसी तरीके के अपने पास इसमें एलिमेंट होंगे सबसेट में। तो इस तरीके से अपने पास ये प्रूफ हो जाता है कि अपने पास ए वन ए टू यदि हमने दो एलिमेंट लिया एन ऑफ अच से, दैट इंप्लाइज ए वन इंटू में ए टू इनवर्स ये भी अपने पास बिलोंग करता है एन ऑफ अच से। तो इस तरीके से हम लिख देंगे हैंस एन ऑफ अच इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। अब नेक्स्ट भी बिल्कुल सेम है, नेक्स्ट में यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रुप की बात आ जाती है, बट अपने पास जो ये सबसेट है यहाँ पर अच की फॉर्म में ये अपने पास बिल्कुल सेम है, यहाँ पर तो अपने पास था एन ऑफ अच, यहाँ पर अपने पास है अच, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि जो ये एच की फॉर्म में सबसेट है ये अपने पास सब ग्रुप है ग्रुप जी का। स्टेप वन में हम ये दिखाएंगे कि अपने पास नॉन एम्प्टी है, तो सिंपल इसके लिए हम क्या करेंगे, तो जो आप यहाँ पर अच देख पा रहे होंगे ये अच अपने पास यहाँ पर एलिमेंट्स को दर्शाता है ग्रुप जी से हम जो ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रुप जी में अपने पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है, तो वहां से हमने एक आइडेंटिटी एलिमेंट लिया, तो ई इंटू में एक्स इक्वल टू एक्स इंटू में ई जब हम करेंगे यहाँ पर, इससे ये शो हो जाता है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ये अपने पास सबसेट से बिलोंग करता है, क्योंकि इस फॉर्म में अपने पास एलिमेंट है इस सबसेट में, ठीक है। तो यहाँ पर हम बता देंगे कि ये अपने पास नॉन एम्पेटिक सबसेट है। अब हम लेट कर लेंगे, यहाँ पर अच की फॉर्म में हम एलिमेंट्स ले रहे हैं सबसेट के लिए ग्रुप जी से, तो यहाँ पर लेट कर लिया हमने दो एलिमेंट को अच वन और अच टू, जो कि अपने पास इस सबसेट से बिलोंग करते हैं। ये थ्योरम आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे, एक तरीके से आप इनको थ्योरम समझ सकते हैं। हम थर्ड जो चैप्टर रहेगा उसमें सीखेंगे कि किस तरीके से न्यूमेरिकल्स पर इनको हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सिंपल तरीके से देखिए, बिल्कुल सेम इसी तरीके से जैसे कि हमने यहाँ पर किया था, बिल्कुल सेम यहाँ पर वर्किंग रूल चलेगा। हमने उसी फॉर्म में इनको लिख लिया जो कि सबसेट में एलिमेंट है अपने पास, ठीक है। यहाँ पर बता दिया फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी, जो एक्स है ये भी अपने पास जी से बिलोंग करता है, और अच है ये भी अपने पास जी से बिलोंग करता है। ये अपने पास आप डेफिनेशन समझेंगे सेंटर ऑफ ग्रुप की, उससे आपको क्लियर आउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ये एलिमेंट एच टू है इसका इनवर्स हम शो करेंगे कि ये भी अपने पास सबसेट एच से बिलोंग करता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड इसकी प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई कर दी बोथ साइड एच टू इनवर्स के साथ, तो अपने पास ये शो हो जाएगा कि एच टू इनवर्स अपने पास सबसेट से बिलोंग करता है, ठीक है। इस तरीके से हमने नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करना है, एच वन इंटू में एच टू का इनवर्स हमें ये शो करना है कि अपने पास सबसेट से बिलोंग करता है। अगर ऐसा शो हो जाता है तो अपने पास हम कह सकते हैं कि एच अपने पास सब ग्रुप है ग्रुप जी का, ये अपने पास कंडीशन होती है, आपको बताया अकॉर्डिंग टू थ्योरम हम समझ चुके हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये फॉर्म हम लेते हुए चल रहे हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पर चेंज कर दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड,
फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड अपने पास क्या है, देखो एस टू इनवर्स एक्स है, इसके इक्वल है, तो यहाँ पर इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया, ये फॉर्म यहाँ पर लिख दी। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, दोनों की जगह इस तरीके से इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, एक्स इंटू में एस वन इंटू में एस टू इनवर्स, ठीक है। तो इसको हमने इसके इक्वल शो कर दिया, यही अपने पास सबसेट में एलिमेंट है इस तरीके के, तो हम कह देंगे कि जो अपने पास एच वन एस टू इनवर्स है ये अपने पास सबसेट से बिलोंग करता है, और जो ये सबसेट है ये अपने पास एज ए सब ग्रुप कहलाएगा ग्रुप जी का, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल नंबर 8th और एग्जांपल नंबर 9th है, ये यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, काफी इजी एग्जांपल्स हैं ये। तो देखिए इनमें क्या है, लेट एच बी ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, एच अपने पास एक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स का। फिर देखिए एंड आर द एडिटिव ग्रुप ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और आर अपने पास है एडिटिव मतलब कि एडिशन के एस्पेक्ट में ग्रुप है ऑल रियल नंबर्स का, आर भी अपने पास ग्रुप है ऑल रियल नंबर्स का, ठीक है, इसमें ऑल है और इसमें अपने पास केवल पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो एक तरीके से ये जो एच आप देख पा रहे होंगे ये अपने पास क्या है, सबसेट है इसका, ठीक है, ये एच अपने पास एच के रिस्पेक्ट में जो एक ग्रुप बन रहा है एक सबसेट है इसका, बट क्योंकि अपने पास ये ग्रुप बन रहा है मल्टीप्लीकेशन पर और ये बन रहा है एडिशन पर, ठीक है। तो इस तरीके से देखो हम इसमें हमें करना क्या था, हमें क्या बताना था, क्या अपने पास जो ये सबसेट है एच मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में जो कि ग्रुप बन रहा है जिसमें एलिमेंट अपने पास ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, क्या ये सब ग्रुप है यहाँ पर ऑल रियल नंबर का जो अपने पास ग्रुप है उसके रिस्पेक्ट में, तो नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि देखो ये भले ही अपने पास ग्रुप बन रहा हो बट ये ग्रुप बन रहा है अपने पास मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, और ये अपने पास सबसेट किसका है, अपने पास इसका सबसेट है, ये अपने पास एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप था, इस ग्रुप का ये सबसेट है, और इसने ये पूछा है क्वेश्चन में क्या अपने पास ये एज ए सब ग्रुप होगा इसका। देखो ये ग्रुप तो है लेकिन ये मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में है, हमने समझा था सब ग्रुप के डेफिनेशन में कि बाइनरी ऑपरेशन अपने पास सेम होना चाहिए, तो इस तरीके से हम कहेंगे कि ये अपने पास सब ग्रुप नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कंपोजिशन कह लीजिए या फिर बाइनरी ऑपरेशन अपने पास डिफरेंट है, ठीक। नेक्स्ट अपने पास एग्जाम्पल नंबर 9, इज इट पॉसिबल डेट एन एबलियन ग्रुप हैज ए नॉन एबलियन सब ग्रुप, क्या ये पॉसिबल है यहाँ पर कि एक एबलियन ग्रुप के लिए अपने पास नॉन एबलियन सब ग्रुप बने, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हम सोल्यूशन में लिख देंगे एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबलियन ग्रुप इज ऑल्सो एबलियन, प्रत्येक एबलियन ग्रुप का सब ग्रुप भी एबलियन होगा अपने पास, ये हम रिमार्क के तौर पर थ्योरम से समझ चुके हैं, hence, तो यहाँ पर जो ये बताया गया है ये अपने पास गलत है, ऐसा हम लिख देंगे एन एबलियन ग्रुप एक एबलियन ग्रुप कैन नॉट हैव ए नॉन एबलियन सब ग्रुप, एक एबलियन ग्रुप के लिए अपने पास एक नॉन एबलियन सब ग्रुप नहीं हो सकता। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।